तो पावर बीआई की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर क्यूरी, और मैंने आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप रिकॉर्ड कर लें। पावर क्यूरी में एक बार चलते हैं कि पावर क्यूरी में हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो एक डेटा हम यहां से लेते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पावर क्वेरी का काम यह है कि डेटा जो जिस तरह का डेटा चाहते हैं या डेटा के ऊपर जो एडिटिंग या जो भी चीजें चाहते हैं वो डायरेक्ट आप पावर बीआई में कर ले, पावर क्वेरी में कर ले, देन उसको पावर बीआई में ले जाए, राइट सर। तो इसमें हम होम मेनूबार पे काम कर रहे थे और हमने आपको ट्रांसफॉर्म बताया था कि रोज दिन कई थे, नहीं नहीं ट्रांसफॉर्म बताया था। ओके, ट्रांसफॉर्म हमने आपको बताया था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो है इनमें कुछ ऑप्शंस है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म वाले टैब पे जाएंगे तो यहाँ आपके साथ बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, राइट सर। तो जैसे कि हमने बाहर ग्रुप बाय तो किया था, फर्स्ट रो हीडर भी हमने किया था, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की बात कर ले कि ट्रांसपोज का यूज कहाँ होगा, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा। जैसे पेस्ट स्पेशल में आप ट्रांसपोज करते हैं ना उस केस में, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना सर। हाँ जी सर, किस तरह के डेटा पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो चलिए हम आपको इसी बारे में बात करते हैं। रीस्टार्ट किया है पीसी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और कोई डाउट है, क्वेश्चन तो नहीं है प्रीवियस क्लास से? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं तो आपका वीडियो ही देख रहा था, मतलब हर दिन एक एक वीडियो फिर से रिपीट कर रहा था। मुझे तो पावर भी समझ में आ रहा है। हाँ हाँ ओके तो यहां पे हम भरते हैं, एक डेटा बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास डेटा नेम वाइज मंथ वाइज है, यहां पे मंथ और यहां पे हमारा आ जाता है नेम, नेम यहां लिखते हैं नेम। और यहां पे हमारा जैन कर देता हूं पहले। वापस हम पावर बीआई पे आते हैं और हम इसको कैंसिल करते हैं और वापस हम गेट डेटा पे आते हैं और एक्सेल पे आते हैं और ये हम ट्रांसपोज का डेटा ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए ताकि पावर ये हमें आवास आ जाए और फिर इसके इसमें जो भी दो डेटा भी इंक्लूडेड डेटा भी आ गया और यहाँ हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ देखिए अभी डेटा क्या है, हमारा नेम वाइज है और यहाँ ऊपर हमारा जैन फैन वाइज है, लेकिन हमारे डेटा में थोड़ी सी गलती है, हमें जैन फैब यहाँ पे चाहिए और नेम ऊपर में चाहिए, समझ गए, क्योंकि कॉलम के साथ थोड़ा छेड़छाड़ का दिक्कत हो जा रहा है या कि उस तरह के चार्ट में चार बनाना चार राउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको अगर लोड कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको लोड कर लिया फाइल फाइल में क्लोज एंड अप्लाई, तो अभी क्या होता है जनवरी फरवरी में प्रॉब्लम, मंथ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें ईयरली डेटा जो है, हमें जो डेटा लेना है वो ईयरली लेना है,
जैसे कि मैंने मान लीजिए ये चार्ट जो हमारा है इसी चार्ट को लेता हूं। अब इसमें क्या है कि सीट में हमने अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हम यहाँ पे जैन का डेटा यहाँ सेलेक्ट करते हैं लेजेंड यहाँ पे इस पे रखते हैं तो दिक्कत क्या आता है कि यहाँ पे हमें मैं लेजेंड बन के आया जैन से फिर मुझे फैब का रखना पड़ेगा फिर मार्च का रखना पड़ेगा इस तरह से रखना पड़ेगा समझे कि नहीं। जैसे मेन को यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे हमने जनवरी को रख दिया तो यहाँ पे आपको हर बंदे का नाम आ गया ना सर तो ये क्या हुआ जैन बाय नेम मतलब कि किस पर्सन ने जनवरी में क्या सेल किया है ये रिपोर्ट आया बात समझे। हेलो हाँ जी सर मुझे उल्टा करना है मुझे ये पता करना है कि नीरज ने पूरे साल में सेल क्या किया बात समझे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैन फेब मार्च इस तरह से है तो उसी के उसी सिलसिले में हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और अपने डेटा को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एज ए हीडर कर लेता हूँ ये आ गया बट मंथ नेम कहाँ चला गया लोड एंड क्लोज करता हूँ एक बार डेटा मिलता हूँ अब इसमें मंथ नेम नहीं आया मंथ नेम को इसने हटा दिया कुछ और करना पड़ेगा कि मंथ नेम आ जाए जैन मंथ नेम के लिए हीडर को इसने हीडर को नहीं लिया हुआ है हीडर जो है हीडर को नहीं लिया हुआ है हीडर जो है नहीं लेता है। तो क्या करें इसके लिए उसके लिए हमें वापस हम जाते हैं डेटा पे चलिए कुछ और करते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा डेटा पे आते हैं। अब जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया है उसको यहां से चेंज कर देता हूं यहां से डिलीट कर दीजिएगा ना तो नॉर्मल हो जाएगा हो गया। तो हमें क्या करना है इसमें यहां पे ट्रांसफॉर्म में जो यहां पे है यूज हीडर एज ए फर्स्ट रो हो गया यहां पे आ गया उसके बाद हमने यहां इसको ट्रांसपोज करना है। अब आ गया सर जैन फेब आ गया। अब फिर इसमें हमें करना है कि यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर क्लियर है एंड अब मैं यहां पे अप्लाई एंड क्लोज करता हूं लेकिन इसने लास्ट में इसको रख दिया है लास्ट में रखा हुआ है उससे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या इसको फर्स्ट में किया जा सकता है यहाँ तो फर्स्ट में ही है। अच्छा हमने बाद में अप्लाई किया ना इसलिए वो ले लिया है ठीक है बट आप इसको यूज करने से पहले करेंगे तो सही रहेगा। अब मैं रिपोर्ट पे आता हूँ मैं चार्ट को लेता हूँ और चार्ट में मैं यहाँ नेम को लेता हूँ जो हमारा नेम है नेम ले लिया और उसके बाद हम किसी एक नाम को लेते हैं जैसे मैं अमर का है तो मुझे अमर का पूरे साल का रिपोर्ट दिख गया जो मैं चाहता था ठीक है सर। हेलो हाँ जी सर
तो ट्रांसफॉर्म का पता चल गया क्या यूज होता है। हाँ, ये पता चल गया। चलिए, और ट्रांसफॉर्म में एक आपका एक रिवर्स ऑर्डर आता है। रिवर्स ऑर्डर जैसे कि ये जैन टू दिसंबर है, बट मुझे यहाँ पे दिसंबर टू जैन चाहिए, तो रिवर्स रो में रिवर्स कर देंगे। आ गया, तो काउंट कर देगा तो पता ही आपको, रो का काउंट दे देगा, टोटल काउंट कितने, अगर मैं काउंट डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ काउंट का रो दिखेगा। काउंट, हाँ, ठीक। अब यहाँ पे अगला बार आता है एनी कॉलर। अब यहाँ पे आता है डिडक्ट, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे फुल नंबर। अब डिटेक्ट डेटा टाइप, जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि डेटा टाइप कौन सा है, तो डिटेक्ट पे करेंगे तो डिटेक्ट के बता कर देगा कि कौन सा डेटा टाइप है, टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद रिनेम, अगर मुझे इसको रिनेम कीजिएगा तो इसका रिनेम कर सकता है। हालांकि रिनेम में इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ, आपको फील्ड को रिनेम करता है करना है तो, ठीक है। अब यहाँ आता है रिप्लेस वैल्यू। अगर इसमें कोई वैल्यू आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गड़बड़ है तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। देन आता है फिल। फिल में आपके पास फिल, अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो वैल्यू है जो ऊपर वैल्यू है से नीचे डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ भी आपको फिल डाउन हो जाएगा। वर्क नहीं किया, अच्छा वो अलग चीज होगा, हटाइए इसको, मैं फिल डाउन से रिमूव कर देता हूं। यहां पे पिवट कॉलम, अब इस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे पिवट तैयार करना है, तो पिवट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पिवट आपको तैयार हो जाएगा कि पूजा के किसके अकॉर्डिंग चाहिए आपको, पूजा के सम किसका करना है, पूजा करना है किसी और का करना है, एंड ओके कीजिए। तो मंथ वाइज यहाँ पे अब बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट में आपको इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहां जो पूजा जो दिख रहे हैं आप वो मल्टीपल टाइम रिपीट है, ठीक है सर, तो मैंने यहां पे क्या किया, पिवट कॉलम कर दिया और हमने जैन का टोटल ले लिया, एंड ओके। अब क्या होगा, यहां पे देखिए कि आपका ये अप्रैल तक तो गया, जाने के बाद नवंबर दिसंबर, उसके बाद जो पूजा का एक कॉलम ऐड हो गया, और इसमें देखिए जिस जिस महीने में उसे टोटल किया हो, जहां जहां पूजा है वहां वहां टोटल यहां दिखा दिया। हालांकि गलत हुआ, इसको आप अनपिवट कॉलम कर दीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो पिवट टेबल कॉलम जैसे मल्टीपल होता है उसके किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जितने सारे कॉलम नहीं, एक ही दो कॉलम हो तो ठीक रहता है। मूव होता है आपको, ये आपको लेफ्ट राइट जहां मूव करना है वहां कॉलम को मूव कर सकते हो, टू एंड कर दीजिए तो सबसे एंड में चला जाएगा, टू फर्स्ट कीजिए, बिगिनिंग कीजिए तो सबसे बिगिनिंग में आ जाता है, ठीक है। अब आता है कन्वर्ट लिस्ट, ये आपको एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं सर, नाम पे। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए ना कि आपका एक रो वाइज दे हो ना, हाँ आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, तो आ गया इसमें रिमूव। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में एक और आता है रिमूव डुप्लीकेट, आप इसको रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो जिसमें डुप्लीकेट नेम था वो आपका रिमूव हो गया और यहाँ पे डेटा आपको दिख गया लिस्ट, ठीक है सर। तो ट्रांसफॉर्म में हमने इस चीज को किया। अब हम स्प्लिट पे, हमने स्प्लिट तो कर ही रखा है, इसके अलावा और भी फीचर्स है, नंबर कॉलम्स है, डेट एंड टाइम है, ये चीजें हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, कल आपके सागर जी भी रहेंगे।